नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों 4 दिसंबर और 5 दिसंबर के करंट अफेयर छत्तीसगढ़ के। दोस्तों सभी को पढ़ेंगे पॉइंट टू पॉइंट डिटेल से, तो वीडियो को जो है लास्ट तक बिल्कुल देखना, बहुत अच्छे क्वेश्चनों का संग्रह है। प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, जिसमें छत्तीसगढ़ समेत कितने एयरपोर्टों को निजीकरण किया जाएगा। दोस्तों तो छत्तीसगढ़ को मिलाकर जो 6 एयरपोर्ट का जो है निजीकरण किया जाएगा दोस्तों केंद्र सरकार की ओर से, इसका जो है सिफारिश हो गया है दोस्तों। इसमें जो है हमारे छत्तीसगढ़ समेत दोस्तों अमृतसर, वाराणसी, भुवनेश्वर, इंदौर, रायपुर, त्रिची को निजीकरण एयरपोर्ट को किया जाएगा दोस्तों। दूसरे प्रश्न को देखते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ की 21 जिले की महिलाओं ने कुपोषण से बचाव के लिए मुनगा पाउडर बनाया। तो ये सूरजपुर की महिलाओं ने, ग्रामीण महिलाओं ने मुनगा से दोस्तों मुनगा पाउडर से जो है दोस्तों, जिसमें पाउडर से ब्रेस्ट टोस्ट, समोसा, नमकीन, कुकीज़ और लड्डू बनाकर दोस्तों इन्हें आंगनवाड़ी में दिया जाता है दोस्तों। और इन आंगनवाड़ियों के द्वारा बच्चों को इसे दिया जाता है, जिस दोस्तों कुपोषित बच्चों में बहुत सुधार हुआ दोस्तों। जो बच्चे कुपोषित थे वो कुपोषण से बहुत से बच्चे जो है मुफ्त हो गए हैं। तो तीसरे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, जिसमें छत्तीसगढ़ में गढ़बो डिजिटल छत्तीसगढ़ के तहत दोस्तों कितने ई साक्षरता केंद्र खोले गए हैं दोस्तों। तो यह जो 36 ई साक्षरता केंद्र खोले गए हैं दोस्तों, जिसमें छत्तीसगढ़ ने डिजिटल असाक्षरों को साक्षर करने के लिए दोस्तों यह योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसमें डिजिटल साक्षर के लिए। और इसमें शहरी क्षेत्रों में दोस्तों गढ़बो डिजिटल छत्तीसगढ़ को मुख्यमंत्री शहरी कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम के तहत 36 केंद्र खोले गए हैं, जिसमें दोस्तों 29 और 30 नवंबर को इसका जो है कार्यक्रम हुआ, जिसमें बाहरी मूल्यांकन किया गया, जिसमें दोस्तों ऑनलाइन हुआ। और इसमें दोस्तों 29 नवंबर को सरगुजा और बिलासपुर संभाग में हुआ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तो दोस्तों एक मिस्टेक हो गया है, यह जो दोस्तों 30 दिसंबर है यानी कि 30 नवंबर है दोस्तों, इस पर एक मिस्टेक हो गया है को दोस्तों रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में किया गया है। चौथे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, जिसमें छत्तीसगढ़ मध्य क्षेत्रीय जो है आदिवासी विकास प्राधिकरण का प्रथम बैठक कब हुआ। तो यह दोस्तों 30 नवंबर को दोस्तों मुख्यमंत्री निवास पर यह हुआ दोस्तों, जिसमें मुख्यमंत्री के निवास पर मुख्य अतिथि थे दोस्तों, और इसका अध्यक्ष दोस्तों लालजीत राठिया। पांचवे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार RBI से कितने रुपए का कर्ज लिया। तो दोस्तों यह दोस्तों 2000 करोड़ रुपए का एक नया जो है कर्ज लेगा दोस्तों, और यह 8 वर्ष के लिए रहेगा, जिसमें RBI से दोस्तों दो यानी कि 2000 करोड़ रुपये का कर्ज 8 वर्ष के लिए, जिसमें दोस्तों ब्याज रहेगा 7.18% की दर से आज में लेगा दोस्तों। छठे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, जिसमें छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना सप्ताह कब से और कब तक चलेगा। तो दोस्तों यह मातृत्व वंदना सप्ताह योजना जो है 2 से 8 दिसंबर को चलेगा दोस्तों यह योजना। और इसके तहत दोस्तों गर्भवती महिला और शिशु मातृत्व माताओं को दोस्तों 3 किस्तों में दोस्तों 5000 रुपये दिया जाएगा दोस्तों, जो है शिशुओं की कुपोषण से बचाने के लिए दोस्तों, उसको जो है अच्छे से देख रेख करने के लिए दोस्तों, शिशुओं को स्वस्थ रखने के लिए यह योजना का शुभारंभ हो रहा है दोस्तों। और यह 1 जनवरी से प्रारंभ होगा और पंजीयन इसका आंगनवाड़ी के माध्यम से किया जाएगा दोस्तों। और छत्तीसगढ़ प्रदेश में यह सप्ताह जो है यानी कि प्रचार प्रसार करने के लिए 2 से 8 दिसंबर तक यह सप्ताह चलेगा, और इस योजना का शुरुआत 1 जनवरी से किया जाएगा दोस्तों। फिर सातवें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, जिसमें छत्तीसगढ़ में 8वां पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ खोला जाएगा। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखना, यह दोस्तों बस्तर में जो है 7वां पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला जाएगा दोस्तों, जिसमें छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला मुख्यालय के जगदलपुर में दोस्तों पोस्ट ऑफिस पोस्ट सेवा केंद्र शुरू होगा। यह दोस्तों हमारे प्रदेश का 8वां सेवा यानी कि पासपोर्ट सेवा केंद्र होगा। और 7वां जो पोस्ट ऑफिस है दोस्तों, यह कोरबा में खोला गया है। इसके अलावा दोस्तों और है जो है रायपुर, दुर्ग, भिलाई और रायगढ़ और बिलासपुर में इसका जो है पासपोर्ट सेवा केंद्र खुला हुआ है। फिर 8वें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, जिसमें छत्तीसगढ़ में सेब की खेती कहाँ किया जाएगा। तो यह दोस्तों मैन पार्ट में जो है किया जाएगा इसका खेती दोस्तों, और यह छत्तीसगढ़ में सेब की खेती मेन पार्ट में होगा। इसके अलावा दोस्तों स्ट्रॉबेरी जगदलपुर में किया जाएगा, कॉफ़ी का खेती दरभा बस्तर में होगा, और ग्रीन टी का खेती जसपुर में, और आलू व समशीतोष्ण फल का जो है मेन पार्ट में होगा। इस 9वें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, जिसमें छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा दर में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ। तो दोस्तों यह रिपोर्ट आ गया है दोस्तों, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ में दोस्तों 2.1% का जो है वृद्धि हुआ दोस्तों। इसके तहत इसका जो है
गणना जो दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO 2017-18 के रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों छत्तीसगढ़ में 2.1% की वृद्धि हुई दोस्तों गरीबी में, जिसमें दोस्तों पूरे भारत में दोस्तों ग्रामीण गरीबी 29.6%, शहरी गरीबी में दोस्तों 9.2%, राष्ट्रीय स्तर पर भी दोस्तों 28.8% गरीबी रही। और दोस्तों जहाँ जिस राज्य में गरीबी की वृद्धि हुई गरीबी स्तर में, तो इसमें दोस्तों पहला बिहार में जो है 16.7%, झारखंड में दोस्तों 8.5%, इसी प्रकार उड़ीसा में 8.1%, उत्तराखंड में 5.5%, महाराष्ट्र में 4.8%, इसी प्रकार से जो कर्नाटक में दोस्तों 2.3% और छत्तीसगढ़ में दोस्तों 2.1%, हरियाणा में दोस्तों 2.2%, राजस्थान में 1.9% ही। इसी प्रकार से दोस्तों अगर देखें हिमाचल प्रदेश में दोस्तों 1.8% की वृद्धि हुआ गरीबी स्तर में दोस्तों। अब जो है गरीबी स्तर को कम करने वाले राज्यों की सूची में दोस्तों पहला है पश्चिम बंगाल में 6% की कमी पाई गई, गुजरात में 5%, तमिलनाडु में 4.9%, उत्तर प्रदेश में 3.7% और मध्य प्रदेश में 3.5% और पंजाब में 3% की कमी पाई गई। इस प्रकार दोस्तों गरीबी स्तर का जो है रिपोर्ट आ गया है दोस्तों 2000 यह 17-18 का यह रिपोर्ट है। दसवें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, जिसमें छत्तीसगढ़ से किसने आकाशवाणी राष्ट्रीय गजल प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया, तो यह दोस्तों परन राज भाटिया ने दोस्तों दूसरा स्थान प्राप्त किया। हमारे छत्तीसगढ़ का भिलाई नगर का निवासी परन राज भाटिया ने राष्ट्रीय गजल प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया दोस्तों। परन राज भाटिया ने MP जोन से दोस्तों एकमात्र गजल गायक थे, जिसमें पहला राउंड यह 2 राउंड में हुआ, जिसमें पहला राउंड 22 जुलाई, दूसरा राउंड दोस्तों 12 सितंबर को आयोजित हुआ। दोस्तों इस प्रकार से हमारा वीडियो था, वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें।